ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नहीं, टोली में दिक्कत हो रहा है, ज्यादा दिक्कत है, स्टेज पे पूरा मैंने फ्री रहता है, कुछ भी कोई भी हाथ। शादी विवाह के मौके पर अभी तक आपने स्टेज पर ही नर्तकी का डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन आज भोजपुर के कलुवर में अमानवीय तस्वीर आखर प्रहरी दिखा रहा है। कोरोना काल में माली हालात जब खराब होता है तो इंसान हर कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। ये वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं, एक नर्तकी पैसे के खातिर पिंजरे में बंद होकर रात भर लोगों को मनोरंजन करती रही। शाम ढलने के बाद नर्तकी को खाना खिलाकर रात भर पिंजरे में बंद रखा गया, जमकर ठुमके लगवाए गए। जैसे पिंजरे में नर्तकी के नाच का वीडियो, एक लड़की नर्तकी वो पिंजरे में बंद जो बड़े लॉक से लॉक रहता है, ताले से उसको बंद करके रखते हैं, जो हमें काफी अमानवीय लगता है, यह कहीं से नहीं होना चाहिए। खासकर ये बिहार में तब जबकि सरकार ने महिलाओं को लेकर काफी अपनी सजगता दिखाई है और आरक्षण से संबंधित महिलाओं को सुविधा भी बहुत सारी दी जा रही है, और ऐसे में एक महिला को पिंजड़े में बंद करके लोग अपना मनोरंजन करें, यह कहीं से उचित नहीं है, घोर अमानवीय है। आमतौर पर शादी में असलहे तथा स्टेज डांस का प्रचलन भोजपुर में स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता है, लेकिन इस अमानवीय कृत्य को क्या कहेंगे जब सरकार जानवरों को भी पिंजरे में बंद करने पर पाबंदी लगाती है, उसमें एक इंसान को सिर्फ मनोरंजन के लिए पिंजरे में बंद कर रात भर डांस कराया गया। नर्तकी बताती है कि पेट की आग बुझाने के लिए डांस करती है, लेकिन स्टेज पर कभी पिंजरे में नहीं की है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो हैं वो हमें मिली हैं और उसको संज्ञान में हमने लिया है। अभी स्थानीय थाना प्रभारी से भी हम लोग इस मुद्दा पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी, और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता है और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी घटना देखने को मिल रही है, जो सोशल मीडिया पे उसमें जो दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी उचित और मानवीय नहीं है। इस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ है और साथ ही साथ बार वालाओं का एक तरह से जो डांस उसमें दिखाया जा रहा है जो भी, वो पूरी तरीके से गलत है। उसको हम लोग जांच करवा के और नियम संगत कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भोजपुर जिले के कोलवर का बताया जा रहा है, जहां भागलपुर से आई एक बारात से के स्वागत के लिए कोलवर का एक व्यक्ति ट्रॉली पर लड़कियों से डांस करवा रहा है। शादी समारोह में पहुंचे बाराती अश्लील गानों में पिंजरे में मौजूद नर्तियों के बाहर डांस कर रहे हैं, जो अमानवीय है। कोरोना महामारी के दौरान इस तरह का प्रदर्शन खुलेआम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का धज्जिया उड़ाते, ये तस्वीर कोलवर के वार्ड संख्या 10 मियां चक मोहल्ले की बताई जाती है। बताया जाता कि पिंजरे में डांस कर रहे नर्तकियों को 4,000 रुपए देकर इन नर्तकियों से डांस करने के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार के कोने कोने भेजा जाता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि आखर प्रहरी नहीं करता है, मगर वायरल वीडियो के आधार पर कोलवर वीडियो द्वारा जांच की बात कही जाती है और जो भी इस करतूत में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की भी बातें कही जाती है। जबकि स्थानीय लोगों ने इस तरह के अमानवीय तरीके को सरकार से अपील करता है कि जल्द से जल्द इन परिपाटी को बंद किया जाए, ताकि समाज में फैल रही इन कुरीतियों को महिलाओं की सुरक्षा का किया जा सके। वहीं एक नर्तकी ने बताया कि हम लोगों को एक रात के स्टेज शो के लिए मालिक द्वारा 1,500 रुपया मात्र दिया जाता है, तब हम लोग अपना पेट भरते हैं। लॉकडाउन के कारण कोई आयोजन नहीं होने से इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं फ्री रहता है, कुछ भी कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, एक मालिक रहती है हमका, जितना भी टीम रहते हैं सब। लॉकडाउन लग गया, हम बैठे हैं, खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, डांस करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, काम नहीं मिलता है, क्या करें हम लॉकडाउन पे। हाँ, टली में नहीं, जो स्टेज पर करते हैं नहीं है, नहीं टली पे नहीं, टली कभी नहीं कर रहे, स्टेज पे डेली स्टेज पे होता है।
Let's go.